Actor Manoj Bajpayee visited Subhash Ghai's filmmaking institute, Whistling Woods in Mumbai, to share his experience and journey to the filmmaking aspirants, and he asserted that filmmaking is a serious business as it needs tremendous level of discipline and learning approach. मेरे लिए जो सबसे अच्छी बात लगती है, जब भी मैं इंस्टीट्यूट में किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में जाता हूँ या मैं थिएटर इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, मेरी सबसे ज़्यादा इच्छा होती है कि मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बैठ करके मैं अब शेयर करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरी जर्नी को या मेरे अपने जीने के तरीके को या मैं अपने काम को कैसे अप्रोच करता हूँ उस तरीके को अगर शेयर करूँगा, अगर उसमें से 5 लोग भी उस डिसिप्लिन को अपना सकें, क्योंकि फिल्म मेकिंग या एक्टिंग बहुत ही सीरियस बिजनेस है। ये इस बात को मैं कहते कहते थक गया हूँ और मुझे आशा है कि इसकी गंभीरता को जो दर्शक है वो समझेगा और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो समझेंगे कि एक विस्लिंग वुड्स में जो आया है बच्चा, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वो बहुत लकी है, वो बहुत लकी हैं कि विस्लिंग वुड्स में आने का उनको मौका मिला या इस तरह का कैंपस उनको मिला है, और यही समय है सीखने का, क्योंकि ज़िंदगी की जो मारामारी है, ज़िंदगी की जो भागम भागी है, बाहर में जब एक बार काम मिलना शुरू होता है या बाहर निकल के जब आप काम मांगना शुरू करते हो, फिर सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने का जो पूरा अपॉर्चुनिटी है, वो थोड़ा पीछे चली जाती है। सो दिस इज़ द राइट टाइम एंड दिस इज़ द राइट प्लेस टू लर्न एंड टू बी टॉट बाय वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्रीज। सो ये जो डिसिप्लिन है सीखने का, वो अगर लेके आए, अगर वो मेरी जर्नी से मिलता है उनको मोटिवेशन मिलता है, मेरे कुछ बातचीत करने से उनको मोटिवेशन मिलता है, तो वो मैं देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और आज सुभाष जी ने वो मौका दिया है कि इन स्टूडेंट्स के बीच में बैठने का, उनके साथ बातें करने का, अपने बारे में बताने का, अपनी जर्नी के बारे में बताने का, या जो सीन्स मैंने किए हैं सुभाष जी ने वो मौका दिया कि उनके पीछे की कहानी बताने का, ताकि मोटिवेट किया जा सके इन स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन, एक्टिंग की डिसिप्लिन को लेकर के, इस पूरी इंडस्ट्री के डिसिप्लिन को लेकर के, कि दिस इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू बी अ फिल्म मेकर और टू बी एन एक्टर। दिस इज़ एज डिफिकल्ट एज बिकमिंग एन इंजीनियर, दिस इज़ एज डिफिकल्ट एज बिकमिंग अ बिजनेस मैन, दिस इज़ एज डिफिकल्ट एज बिकमिंग एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड। So, उस सीरियसनेस, वो अगर सीरियसनेस मेरी बातचीत से मिलता है, देन आई विल बी मोर देन हैप्पी। मनोज आल्सो शेयर्ड हिज डिजायर टू ओपन एन एक्टिंग इंस्टीट्यूट इन हिज होम स्टेट बिहार विद द हेल्प ऑफ द बिहार गवर्नमेंट, बिकॉज़ ही फील्स स्मॉल टाउन्स आल्सो हैव अ वास्ट अमाउंट ऑफ टैलेंट बट दे कांट अफोर्ड टू टेक फॉर्मल एजुकेशन इन एक्टिंग। मनोज बाजपेयी फील्स इफ ईच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट्स अ प्रॉपर एक्टिंग कोर्स इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, then it will be beneficial to students to get proper direction in their career. meri apni badi dilli ichha hai ki bihar government patna mein ek bahut hi ek bada institute khole, kyunki choti choti jagahon pe bacche hain jo bahut sare hain jo swaji ja nahi pate, wo shahar se nikal nahi pate, wo afford nahi kar sakte hain, to wo agar degree acting mein ya film making mein ya theater mein degree bhi milni shuru ho jaye और वो उस तरह के इंस्टीट्यूट आपके आपके राज्य में हो, आपके स्टेट में हो, हर स्टेट में हो, तो उससे बच्चों का जो बच्चों को एक डायरेक्शन मिलेगा और बिना मतलब का इधर उधर का कोर्स करके अपना मन नहीं भटकाएंगे, एक सही डायरेक्शन मिलेगा उनको। He also spoke about his recent film नाम शबाना। नाम शबाना जो है एक औरत प्रधान फिल्म है और एक हमारी कंट्री में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके वर्किंग के बारे में हम में से किसी को नहीं पता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो जो काम करते हैं हमें उन पर गर्व है, लेकिन उनके सारे जो राष्ट्र के लिए जो जो काम करते हैं हमको आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है या न्यूज़ चैनल के जरिए देखने को मिल जाता है, लेकिन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके काम को पूरा सीक्रेट रखा जाता है। उसमें इतने सारे लोग अपनी जान खपाते हैं, उसमें 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, राष्ट्र के लिए वो अपनी जान तक देते हैं, तो लेकिन हमको नहीं पता चल पाता, क्योंकि उनका पूरा काम करने का तरीका बहुत ही रहस्यमयी होता है। तो ज़िंदगी, मेरा डायलॉग है उसमें, ज़िंदगी बुरी है और मौत उससे भी बदतर,
तो ये ट्रिब्यूट है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को जो हमारे देश के लिए काम कर रहा है, और ये ट्रिब्यूट है वुमन पावर को जो कि और उस रोल को तापसी पन्नू ने किया है। और बिजनेस अच्छा कर रही है, वीकडेज में भी काफ़ी स्टेडी रही है, और वीकेंड आने वाला है तो मुझे पता है कि हमारे सारे पैसे निकल आएंगे इस वीकेंड में। और उस वो फिल्म हम लोग संतोष में हैं कि वो फिल्म निकल गई, मतलब अच्छी चली गई, और औरत प्रधान फिल्म अच्छी जाती है और इस तरीके की फिल्म, तो आगे आने वाले समय में कोई भी प्रोड्यूसर घबराएगा नहीं इस तरह की फिल्म को करते हुए जहाँ पे औरत सेंटर में हो। एंड ऑल्सो शेयर्ड अबाउट हिज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स विद द स्टूडेंट्स। मैं और सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं उस फिल्म में जिसका नाम आयारी है, और नीरज पांडे की अगली फिल्म है, एम एस धोनी के बाद वो उनकी अगली फिल्म है जो वो डायरेक्ट करेंगे, अगले महीने से हम शूटिंग शुरू कर रहे हैं।